नमस्कार, लोक दुनिया समाचार में आपका स्वागत है। पेश है आज की प्रमुख खबरें। यूक्रेन में दो भारतीय छात्रों की हत्या। यूक्रेन में दो भारतीय छात्रों की छुरा मारकर हत्या कर दी गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में कहा कि यूक्रेन में भारतीय दूतावास भारत के छात्रों की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा यूक्रेन के समक्ष उठा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक रविवार को यूक्रेन में उज्जगोरोड मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले तीन भारतीय छात्रों की रविवार को यूक्रेन के स्थानीय छात्रों से किसी बात पर झड़प हो गई, जिसके बाद उन्होंने तीनों भारतीय छात्रों को चाकू मार दिया। छात्रों के नाम प्रणव शांडिल्य और अंकुर सिंह है, जबकि इंद्रजीत चौहान का इलाज चल रहा है। शरणार्थी बनकर यूरोप पहुंचा मुंबई हमले में बम बनाने वाला आतंकवादी। 2008 में हुए आतंकी हमलों से जुड़ा बम बनाने वाला एक पाकिस्तानी विशेषज्ञ शरणार्थी के रूप में यूरोपीय संघ में प्रवेश करने में सफल रहा। वह यूरोप में प्रवेश करने वाले विभिन्न आतंकियों में से एक है। मीडिया की खबरों के अनुसार ये लोग यूरोप में हमला करने के इस्लामिक स्टेट की साजिश को अंजाम देने के लिए आए हैं। जानकारी के मुताबिक आतंकवादी संगठनों लश्कर ए तैयबा और लश्कर ए छांगवी से जुड़े मोहम्मद उस्मान गनी को आतंकी संगठनों की गतिविधियों में हिस्सा लेने के आरोप में अफ्रीका से गिरफ्तार किया गया है। पेरिस में पिछले साल नवंबर में हुए हमलों से पहले यूरोप भेजी गई आईएस की स्ट्राइक टीम में उस्मान भी शामिल था। के गवर्नर राजन ने कहा, फर्जी ईमेल से रहें सावधान। रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने ग्राहकों को आरबीआई के नाम पर पैसे की मांग करने वाले फर्जी ईमेल मिलने की बढ़ती शिकायतों को देखते हुए सोमवार को कहा कि आप ऐसे ईमेल से सावधान रहें। राजन ने मुंबई में कार्यक्रम में कहा कि मुझे हर रोज कम से कम 10 ऐसे ईमेल मिलते हैं जिसमें पूछा जाता है कि ऐसे मेल सही हैं या फर्जी। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक भुगतान के लिए कभी ईमेल नहीं भेजता, हमें आपके पैसों की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप ऐसे फर्जी ईमेल से सावधान रहें। मेट्रो स्टेशन पर कंट्रोलर को चाकू मारा, 12 लाख रुपए लूटे। राजधानी दिल्ली में सोमवार को एक सनसनीखेज घटना में लुटेरों ने मेट्रो स्टेशन के कंट्रोलर को चाकू मारकर 12 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस के अनुसार यह वारदात राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन पर सुबह 5:30 बजे हुई। सुरक्षा व्यवस्था को धता बताते हुए कुछ अज्ञात लुटेरे स्टेशन में घुस आए और वहां टिकट खिड़की के पास मौजूद कंट्रोलर को चाकू मारकर कैश बॉक्स में रखे 12 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। बरेली का सुरमा लगाए मोदी विरोधी, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के लिए ईश्वर का उपहार बताते हुए सोमवार को कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह गांव, गरीब और किसान को समर्पित है और जिन्हें उसका काम नजर नहीं आ रहा है वे बरेली का सुरमा लगाए। सिंह ने भाजपा किसान मोर्चे की तरफ से आयोजित राष्ट्रीय किसान कल्याण सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के बाद किसानों और गाँव को केंद्र में रखकर योजनाएं बनाई गई, उनकी स्थिति आज भी कमोवेश जस की तस बनी हुई है। उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि जिन लोगों ने 60 साल देश पर राज किया है उनकी गलत नीतियों का परिणाम है। क्षेत्र के मुख्य समाचार और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।